अब क्या करूं, जब रोजगार नहीं हो तो आदमी दुखी ही रहता है, जब रोजगार हो तो खुशी रहता है। अब बहुत मुश्किल होता है घर चलाना, दो तीन बच्चे को पालना। अब मोदी जी जो काला धन बोले लाएंगे, क्या पता लाए हैं कि नहीं लाए हैं, कितना इकट्ठा किए हैं नहीं किए हैं, जनता किसी जनता को बताया ही नहीं। मैं भी मोदी को बहुत अच्छा चीज समझता था पहले, लेकिन मैं आज के डेट में नहीं समझ रहा हूं। मोदी जी थे तभी वो वापस आए, वरना आ नहीं सकते। युद्ध रुकवा दिया था मोदी, मोदी जी ही रुकवा सकते हैं। मोदी जी जो साथ में फंसे हुए थे हमारे, उनको वापस लाए थे। नेहरू जी ने तो बंटवारा करवा दिया था सर। जैसे मानो को भाई मानते हैं ना, भाई कहाँ मानते, हम नहीं मानते। मतलब जिहाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कौन करेगा बताओ आप। आदाब नमस्कार, द रेड माइक जनता के दिल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सब लोग देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पर कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यूक्रेन की यात्रा में हैं, और यूक्रेन की यात्रा में हैं तो चर्चा भी होगी, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया और युद्ध चल रहा है, और अब तक लाखों की तादाद में रूस और यूक्रेन के सैनिक और सिविलियंस मारे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ वक्त पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिल के आए थे, और अब वो जेलेंस्की से भी मिल रहे हैं जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। भारत की मीडिया भी उत्साहित है और लोग भी, आम लोग भी सोच रहे हैं कि भाई क्या प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवा पाएंगे। अब वो एक बहुत डिप्लोमेटिक मामला है, लेकिन आम जनता की भी अपनी समझ है, सोच है। तो आम जनता क्या सोचती है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवा पाएंगे, ज़रा कुछ आम लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कहा गया जब हमारे यूक्रेन में जब हज़ारों MBBS छात्र पढ़ रहे थे तो प्रचार हुआ चुनाव में कि प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर रुकवा दी थी पुतिन से और जेलेंस्की से बात करके कि हम अपने बच्चों को निकलवा लें, तो उसको कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। तो आम जनता क्या सोचती है प्रधानमंत्री मोदी के इस यूक्रेनी दौरे के बारे में, क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा पाएंगे, एक आम लोगों की समझ से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा आप न्यूज़ देखते हैं? आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पे हैं? आपने देखा? भैया से बात करते हैं, आप तो किताब करते हैं, आपका नाम बताइए। सर नाम तो अख्तर हुसैन है। क्या अख्तर भाई, क्या हाल है? सब ठीक है भैया। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के दौरे पे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि भाई क्या यूक्रेन रूस के बीच जो जंग चल रही है उसमें क्या कुछ हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी रुकवा पाएंगे, क्या सोचते हैं आप आम आदमी के तौर पर? भैया जी हम उतनी न्यूज़ वगैरह तो देखते नहीं, बस बेचते हैं, और कुछ इसके विषय में इतना जानकारी नहीं। खबरें बेचते हैं पर पढ़ते नहीं? नहीं जी। अब ये तो पता है मोदी जी यूक्रेन गए हैं? नहीं ये भी नहीं मालूम। अखबार जो बेचते हैं पढ़ते नहीं खुल के? टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने। ये तो बताना यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये जी हाँ ये मालूम। फॉरेन अफेयर्स में इंटरेस्ट है जरा सा भी नहीं? हमें इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो अब ये भी देखिए, ये भी एक पहलू है कि प्रधानमंत्री और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी कुछ देर बाद, और लोगों को नहीं पता है, जाहिर सी बात है कि शायद टीवी चैनल्स को ज़्यादा इंटरेस्ट दिलचस्पी है, होगी एक बड़ी वैश्विक घटना हो भी रही है। और लोगों से बात करते हैं, शुक्रिया अख्तर साहब, और जो आम लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वो क्या सोचते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध। सर सर एक सेकंड बात कर सकता हूँ आपसे? अरे एक सेकंड बता दीजिए, एक सवाल चलते चलते आपको जहाँ चलेंगे वहाँ ले चलेंगे। नहीं नहीं, नहीं ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन दौरे पे हैं, क्या हो तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं? बहुत लोग सोच रहे हैं, चर्चा हो रही है इस बारे में। अब ये तो वही बता सकते हैं ना, आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी तो ठीक है, ठीक है तो युद्ध रुकवा सकते हैं आपको लगता है? रुकवा भी सकते हैं। आपका क्या नाम है? अधिकारी साहब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे में है और टीवी देख ही रहे होंगे, चर्चा चल रही है, तो वो लगता है प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा सकते हैं? रुकवा सकते हैं सर, बिल्कुल रुकवा सकते हैं सर, बिल्कुल रुकवा सकते हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेचर है? है सर बिल्कुल है, शुरू से आगे भी रहेगा, शुरू से आगे भी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे देखते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी जी को हम एक सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में देखते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पहले भी किया है आगे भी करेंगे। आपको लगता है युद्ध रुकवा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोदी में वो ताकत है सर, और किसी नेता में नहीं है, विश्व किसी नेता में नहीं। ना ना, मोदी है सर, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, ये आपको लगता है? लगता है सर, डेफिनेटली है, रुकवा देंगे, रुकवा देंगे, कोई दिक्कत इसमें, कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ये चुनाव में प्रचार हुआ कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो हमारे जो हजारों मेडिकल छात्र फंस गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी जी थे तभी वो वापस आए, वरना आ नहीं सकते थे, युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने? मोदी जी ही रुकवा सकते हैं, मोदी जी जो छात्र फंसे हुए थे हमारे उनको वापस लाए थे, वही लाए थे ना, मतलब छात्र जो फंसे हुए थे मोदी जी तो लाए थे, मतलब भारत सरकार लाई थी। भारत सरकार, जो नाम तो सर मोदी का ही आएगा ना, भारत सरकार तो मोदी जी साहब सर है, मतलब उन्होंने बीच, आप इस बात से यकीन है इस बात पर कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया था थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो पसंद है मोदी जी आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, दिल से पसंद है सर, दिल से, बढ़िया लगते हैं, बढ़िया, बहुत सर, बहुत बढ़िया। इस बार लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया? नहीं आया सर, अब सर अपनी अपनी सोच है सर, क्या करें, आना तो चाहिए था सर, लेकिन क्या करें, क्यों नहीं दिया लोगों ने उत्तर प्रदेश में वोट मोदी जी को? अब सर क्या कहूँ उसके बारे में, उत्तर प्रदेश वाले जाने सर, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जन्मे हैं सर, दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साविर है। बताओ, मोदी जी यूक्रेन दौरे पे गए, सेलेंस्की से मिल रहे हैं, वो लगता है रूस और यूक्रेन के बीच मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं? मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? मोदी की तो वोट डालती है हम भाई, मोदी मोदी को वोट डालते हैं? हाँ, मैं तो मोदी को वोट डालता हूँ भाई, कोई किसी को ज्यादा नहीं डाले, मैं तो मोदी से ही डालते शुरू से, जब से है ना मोदी डालते हैं, जब से है शुरू से मोदी जी नहीं डालते थे, अब डालते हैं भाई। क्या अच्छा लगता है मोदी जी? मोदी सही है, गुंडागिर्दी रुकी कुछ, और थोड़ी सही गरीबों को भला कर रहे हैं मोदी जी, और क्या, आपका क्या भला हुआ? शौचालय बनवा दिए, और क्या क्या लेना है बताओ, गांव गांव घर घर शौचालय बनवा दिए, कॉलोनी देना है लोगों को, कल हमें तो खैर नहीं मिली है, लोगों को दे रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी जी जो है दम है? दम है, बिल्कुल दम है, साहब दम है, इन जैसा नेता ना आया है ना आएगा भाई। नेहरू जी के बारे में क्या सोचते हैं? नेहरू जी ने तो बंटवारा करवा दिया था सर, नेहरू जी ने बंटवारा करवा दिया था, उनके बारे में क्या है? अच्छे ही लगते हैं नेहरू जी आपको? नहीं सर, जब से उनकी हिस्ट्री पढ़ी है ना, धीरे धीरे धीरे। क्या पढ़ा है नेहरू जी के बारे में आपने? अरे सर, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया है तो व्हाट्सएप पे पढ़ा, व्हाट्सएप पे पढ़ा सर, सारे हम देखते रहते हैं व्हाट्सएप डेली। किताब नहीं पढ़ी लेकिन? कोई किताब तो सर हमारे जमाने में कम होती थी ना, हम तो है अभी तो पढ़ते कहाँ सर इतना भी, मतलब व्हाट्सएप पढ़ा जो नेहरू जी के कितने खराब थे सब व्हाट्सएप से जाना। खराब तो नहीं थे लेकिन, इतने भी खराब नहीं थे लेकिन, जो बंटवारा हुआ है जो उन्हीं की वजह से हुआ, उन्हीं की वजह से वो बंटवारा। और नेहरू जी की जगह कोई और होता तो बंटवारा ना होता, किसको लगता है? सर ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो आपने व्हाट्सएप में देखा कि नेहरू जी की वजह से, व्हाट्सएप पे आजकल आता ही रहता सर, आपको पता ही है, नेहरू जी अगर चाहते तो भारत बंटवारा ना होता और अखंड भारत होता, अखंड भारत होता, क्योंकि जो यहाँ के हमारे पहले के हिंदू भाई थे वो मुस्लिम भाई थे, सबको वो करवा दिया हमने। जैसे मानो को भाई मानते हैं ना आप? भाई कहाँ मानते हैं, हम नहीं मानते भाई, जैसे मानो को भाई नहीं मानते सर, इतना आपने देखा ना, इतना लव जिहाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कौन करेगा बताओ, आप ही बताओ, लव जिहाद तो देखा ही है ना आपने, कितने इतने साल में कितना कांड हो गया, कैसे भाई मान लें बताओ? अच्छे नहीं होते मुसलमान? मुझे मेरे तरफ से तो नहीं होते, हमने पहले साथ थे मुसलमान, हमारे दोस्त थे बहुत, हमने सबका साथ छोड़ दिया, मुसलमान दोस्तों के साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया, क्यों? जब से हमने ये लव जिहाद देखा है बीच तो में, आपके दोस्त भी कर रहे थे क्या कुछ? नहीं, दोस्त नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे वो भी तो मोमडन थे, आपके आपके हिंदू समाज में भी तमाम लोग है भाई भाई कत्ल करते हैं, अब जो कलकत्ता में बलात्कार करने वाला और डॉक्टर का वो हिंदू है, तो आपने हिंदू दोस्त से दोस्ती तोड़ दी? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं तो दोस्ती बहुत किसी से, गलत तो गलत है भाई, किसी को किसी से भाई, गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो गलत तो गलत है, देखो गलत तो गलत है, चाहे हिंदू हो मुसलमान है कोई भी धर्म का हो, लेकिन गलत तो गलत है, गलत तो हम इस नजरिए से देखते हैं। पर लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी यूक्रेन और उसके बीच युद्ध रुकवा सकते हैं? रुकवा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात कर सकता हूँ एक मिनट सर? पीएम मोदी यूक्रेन और रशिया के दौरे पर गए हुए हैं और सबकी नज़रें हैं, और आपको लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी रुकवा सकते हैं या कोई भूमिका निभा सकते हैं बड़ी? हाँ बिल्कुल निभा सकते हैं और रुकवा भी सकते हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, दो राय नहीं, गए भी इसी वजह से हैं मेरे को लग रहा है, कुछ बीच में रशिया को कोई मैसेज लेके गए हैं मेरे को लग रहा है, हो सकता है कि कोई बातचीत की या सुलह के लिए या क्या है क्या नहीं है उसी चक्कर में गए हैं। अभी ये भी हुआ कि जब इलेक्शन से बहुत चर्चा हुई कि जब हमारे छात्र फंस गए थे यूक्रेन में, मेडिकल छात्र, तो
तो मोदी जी ने रुकवा दी थी वॉर पुतिन और जेलेंस्की से बात करके, उस बात को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दिया, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पूरे हर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजिडेंट हैं वो जानते ही हैं मोदी जी जो हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी जो था पुतिन ने वॉर रोक दी थी कुछ करने के लिए, जब वो स्टूडेंट्स वगैरह फंस गए थे उस टाइम भी वॉर रोक दी थी। आज मोदी जी गए हैं तो मैंने तो खैर पूरी न्यूज़ नहीं सुनी है, तो दो दिन जो है क्या कहते हैं आई थिंक पुतिन ने जो है वॉर रोक दी है वहाँ पर। आपको लगता है पुतिन ने दो दिन वॉर रोक दी है? मेरे को लग रहा है सुनने में, सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, या स्लो कर दी होगी कुछ ना कुछ, मोदी जी गए हैं तो स्लो कर दी होगी, कुछ ना कुछ किया है, डिक्लेयर नहीं किया होगा बट मोदी पे इतना भरोसा है आपको कि आपने बिना देखे न्यूज बिना समझे आपको लग रहा है कि मोदी जी गए तो पुतिन ने जो है वॉर रोक दी होगी या तो स्लो कर दी होगी? इतना भरोसा है, अपने से ज्यादा मोदी जी पे भरोसा है मेरे को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज। थैंक यू मनोज जी। अच्छा मैं देखा कि इतना भरोसा है उनको, लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने से पुतिन ने या तो वॉर रोक दी या तो स्लो कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? मोदी जी गए यूक्रेन, पता है कि मोदी जी यूक्रेन गए हैं? पता है? पता तो है, गए हैं कल सुबह। ये नहीं है पता जो क्या काम से गए हैं नहीं गए हैं, पता तो है नहीं, पता तो हम लोगों को क्या रहेगा, हम लोग तो समाचार थोड़ा बहुत रेडियो में सुनते हैं, टीवी भी तो देखते नहीं है समाचार। क्या करते हैं आप? यही मजदूरी करते हैं। दुखी हो खुश हो जिंदगी में? अब साहब क्या करूं, जब रोजगार नहीं हो तो आदमी दुखी ही रहता है, जब रोजगार हो तो खुशी रहता है। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। हाँ जी, या कोई काम में हमको लगा दे कहीं भी, कोई भी काम प्राइवेट हो या सरकारी हो या कोई भी काम में, तभी तो आदमी खुशी रहेगा, बेरोजगार आदमी तो ऐसे ही घूमते फिरते रहेगा। अच्छा हाँ जी, बेरोजगार हो? बेरोजगार हैं। कितना मुश्किल है घर चलाना आपके लिए? साहब बहुत मुश्किल होता है घर चलाना, दो तीन बच्चे को पालना, कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई, आजकल के ज़माने में सरकारी स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, आदमी प्राइवेट में भेजते हैं अपने बड़े बड़े आदमी अपने बच्चों को, छोटे मोटे आदमी सरकारी में भेज दिए, पढ़ा नहीं पढ़ा, यही सब होता है। तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं तो ठीक है, आपके पास प्राइवेट के पैसे नहीं है? नहीं है साहब। पहले मतलब आपको लगता है क्या पहले काम मिलता था कुछ साल पहले? हाँ जी पहले काम मिलता था, बहुत कम चलता था, हर आदमी के पास पैसे था, अब तो हर कोई कहता है पैसे ही नहीं है पास में, कहाँ से, हर कोई कहता है पैसे ही नहीं है, अब पता नहीं पैसे सारे कहाँ गया नहीं गया। अब मोदी जी वो काला धन बोले लाएंगे, क्या पता लाए हैं कि नहीं लाए हैं, कितना इकट्ठा किए हैं नहीं किए हैं, किसी जनता को बताया ही नहीं, जो इतना इकट्ठा हुआ नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं। मोदी जी को वोट दे दिए होंगे 2014 में जब उन्होंने बताया? दे दिए साहब वोट, दे दिए, पिछली बार भी दिए थे? हाँ दे दिए थे, उस बार भी दिए थे। इस बार दिए होंगे? सच सच बताना। इस बार दिए हैं, नीतीश कुमार को दिए हैं। मोदी जी को ही दिया फिर तो? नीतीश कुमार तो साथ में संग बिहार में जाके दे के आए मोदी जी को, वो नीतीश को दिए हैं। सिर्फ मोदी जी को देना होता तो देते? अब मोदी जी देखिए, रोजगार अगर हर आदमी को लगाते तो कितना बेहतर रहता है। हाँ। बेरोजगारी दुख है, तो घर कैसे चलता है आपका? रोजगार नहीं है तो? अब सब क्या चलते, क्या करें, यही मजदूरी होता है, कभी काल लगता है तो काम कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहता है। घर में रोटी पानी बच्चों का? अब बच्चों का तो बिहार में है साहब, यहाँ तो मजदूर आदमी है कहाँ रख पाएंगे, किराए का मकान है, आज यहाँ उठा के ले जाओ कल वहाँ, मैं कहाँ से ले जाऊँगा, यही सब लफड़ा है। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन की चर्चा के बीच में एक बेरोजगार मिले हमें जिन्होंने अपना दुख बताया, और ये बताना भी ज़रूरी है इस शोर के बीच इस चर्चा के बीच, अब युद्ध रुकवाएं ना रुकवाएं लेकिन देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसका भी निदान आपको ही करना पड़ेगा। क्यों सर अधिकारी जी, बेरोजगारी की समस्या तो है ना? हैं क्या कह रहे हैं सर? करने वाला चाहिए, रोजगार बहुत है, ये तो करने के लिए घूम रहे हैं। लगा दीजिए ना हमको कोई रोजगार में, नहीं नहीं हमको कोई रोजगार हो तो आप लगा दीजिए सर। सुबह से पैसे कमा दो, तुम भी चाय का ठेला खोल लो। कहाँ अब ठेला खोल लूँ, तो आज पुलिस वाला इधर से उधर आएगा, अरे तू कहाँ लगा रखा है ठेला, कहाँ लगा रखा है तू ठेला, अरे लाइट नहीं, सिगरेट की दुकान खोल रही है, वो क्या रोजगार नहीं कर रहा है, एक रिक्शा चला रहे हैं, ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, करने वाला के सुनो नहीं, वो मजदूरी बहुत मिलता था भाई, बहुत कम मिलता। वो कह रहे हैं कि काम नहीं करना चाह रहे हो आप, क्या कर बात कर रहे हैं, लगाइए ना हमको काम करने के लिए तैयार हैं आप, लगा दीजिए हमको काम करने में, करने वाला चाहिए काम बहुत। हम भी सर टैक्सी चलाते हैं सुबह से शाम तक, हम भी टैक्सी चलाते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं टैक्सी चला रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं टैक्सी चला रहे हैं, रोड का इधर से उधर पता है, जो आदमी पढ़े लिखे भी नहीं है उसका क्या, हमारे ज़माने में उधर पढ़ाई लिखाई स्कूल नहीं था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, तो आदमी पढ़ेगा कहाँ से लिखेगा कहाँ से। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बाला है, मैं बंगाल से हूँ। सच्चाई में काम नहीं है, मैं भी सूट बूट पहन के रोड पे निकलता हूँ, गाड़ी है सब कुछ है, काम के लिए तलाश में निकलता हूँ, काम नहीं है। काम नहीं है। अच्छा बताइए, मूल सवाल हमारा था कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस गए हैं, चर्चा खूब चल रही है, आपको लगता है युद्ध रुकवा देंगे रूस और यूक्रेन के बीच, या आप देश अलग ही समस्या से जूझ रहा है? वो सब तो बाद की बात है, मैं भी मोदी को बहुत अच्छा चीज़ समझता था पहले, लेकिन मैं आज के डेट में नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मोदी का फ्रेंड हूँ, लेकिन काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, पेट घर चलेगा ही नहीं, तो क्या करना मोदी को लेके, क्या करना दुनिया को लेके। इतना पढ़ाई किया आपने? मैंने कहाँ पढ़ा, 5-6 क्लास पढ़ा हूँ बस। पहले क्या करते थे आप? पहले भी वही दिल्ली में आके गाड़ी सीखा, गाड़ी चला रहा था, अब ना नौकरी मिल रहा है, ना गाड़ी का कोई काम मिल रहा है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, काम है ही नहीं, मार्केट में बैठा रहता हूँ सारा दिन, शाम को उठ के फिर घर चले जाता हूँ। इधर उधर गाड़ी है आपके पास? गाड़ी है, एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले आऊँ, उसको भी चला रहा हूँ, उसका भी काम नहीं है, एक गाड़ी पे दूसरा गाड़ी, कभी ओला वाला कभी कोई वाला, मतलब काम है ही नहीं, मार्केट में बिल्कुल फेल है काम, और भी कोई दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ, काम भी नहीं मिल रहा है, कि ड्राइवरी कर लूँ नहीं मिल रहा है, काम है नहीं। करना चाह रहे हैं? करना चाहता हूँ, रोज़ नहा धो के सुबह 8 बजे 9 बजे घर से निकलता हूँ, काम ही नहीं है। भैया तो कह रहे थे कि भैया को लगता है कि काम, नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सब लोगों का एक साथ है, मतलब 80% लोग काम नहीं करना चाह रहे, काम तो खूब है, लोगों के पास काम नहीं है, बाकी 10-20% लोगों के पास काम है। और आप काम करना चाह रहे हो? मैं काम करने के तैयार, मुझे कोई नौकरी लगा दे, मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ, मुझे कोई नौकरी लगा दे। आप तो बोल रहे थे काम है, काम है, लेकिन 15,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी कह रहे, काम है बता दीजिए चले जाएंगे, कम होते सर, तो कह रहे 15,000 की नौकरी कर लूंगा, मिल नहीं रही 15,000 की भी नौकरी करने वाला चाहिए सर, कोई रास्ते के लिए बोल दो, मैं सारा जानकारी है, मैं कहीं भी करने के लिए तैयार, किसी कोई ओडी गाड़ी दे दे, मर्सिडीज सब गाड़ी चला लूंगा, नौकरी नहीं है। ठीक है मुकेश भाई, चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश भाई, यूक्रेन रशिया गए प्रधानमंत्री मोदी, देखें कि नहीं? अरे मैं चला जाऊंगा मुकेश जी के पास। मुकेश भाई बेस्ट आदमी है ये। मुकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी रूस के बाद अब यूक्रेन दौरे पर गए हैं, आपने देखी है कि नहीं न्यूज? सुनीत मतलब पता तो है ना खबर कि यूक्रेन में है, आप लगता है प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रुकवा पाएंगे? क्यों नहीं आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे, मतलब युद्ध रुकवा सकते हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लाखों लोग मर गए हैं, वो लगता है कि इस दौरे से कुछ होगा? हाँ, गया तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल बहुत होगा, कुछ ना कुछ क्या है, हो सकता है कि रुक जाए। मोदी जी को कैसे देखते हैं? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। हाँ जी, वोट दिए थे? हाँ जी, वोट तो देते हैं सर। मोदी जी हैं? हाँ जी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी? बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें जो अच्छी लगती है, बहुत चीज़ें जो वो भी है जो अच्छी भी नहीं लगती है। क्या नहीं अच्छा लगता है अभी? जैसे देखिए, सब चीज़ में सब के पास सब चीज़ नहीं मिलती है, ये तो आप भी मानते हैं। क्या नहीं मिला मोदी जी के पास आप? नहीं मिला, सब कुछ है, क्या नहीं मिला, मतलब कि सारी चीज़ें, जैसे अभी काम आ रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स आदमी हो, मतलब बिल्कुल घुमा देते हो, मोदी जी अच्छे भी हैं, कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ नहीं भी अच्छा लगता, क्या अच्छा नहीं लगता है वो, मतलब सब हर चीज़ नहीं मिलती, मतलब क्या नहीं मिला आपको? नहीं, मिलने को तो सब चीज़ मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि जो नहीं मिली, कुछ चीज़ मिलनी चाहिए थी। क्या नहीं मिली अभी तो? जैसे अभी इस टाइम तो सर रोज़गारी बहुत कम हो गई है, नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, आप बताएं ना, सबसे मूल चीज़ नौकरी है, रोज़गार है, हाँ, वो नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा जी। पर पहले कहीं नहीं बोले? नहीं मिल रही इस टाइम बहुत से। मुकेश भाई बोल रहे थे, मुकेश भाई को नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं है, आप बोले थे काम नहीं था हमारे पास, खुद हमारा ये भैया कह रहे थे काम करने वाला लोग काम करना नहीं चाह रहे, काम तो खूब है, भैया ये कह रहे थे। कहाँ काम है भैया, कौन बोल, बताओ, मैं कई जगह नौकरी के लिए ट्राई कर रहा, कहीं नौकरी नहीं, किसी फील्ड के अंदर नौकरी नहीं है। फिर वही बात है, देखिए हम आए थे कुछ और पूछने, और आपको क्या निकल करके आया कि देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, और मैं किसी को लाइनअप नहीं करता हूँ, बीच में आम लोगों से जाके बात करता हूँ, उन्होंने बताया 2-4 सवाल करने के बाद कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, भैया कह रहे हैं कि मुझे मजदूरी नहीं मिल रही है, भैया कह रहे हैं, एक भैया मिले कह रहे हैं कि मैं गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे देश रूबरू हो रहा है। यूक्रेन जाइए, रूस जाइए, आप एक प्रधानमंत्री हैं और आपके विश्व के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं और आपका योगदान भी है, लेकिन जो घर में लोग परेशान हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। होर्डिंग, बैनर, भाषण से परे ये आम लोग हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि भाई
रोजगार नहीं है, हम काम करने के तैयार है, 15,000 की नौकरी दिलवा दीजिए, हम 15,000 की नौकरी कर देंगे। नहीं, नौकरी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है नौकरी। तो इन आवाज़ों के साथ आपको छोड़ देते हैं, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।